हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फोर वे मॉड्यूलर गैंग बॉक्स है। और इसके साथ दोस्तों हम इसमें एक 4 MFD का कैपेसिटर यूज करेंगे। ये फ़ैन कैपेसिटर है दोस्तों। और इसमें आप ये एक डिवाइस देख रहे हैं दोस्तों, ये एक सर्किट है जो 220 वोल्ट से हमें 120 वोल्ट की अप्रोक्स आउटपुट देगी। ये AC करंट होगा दोस्तों। ये जो बल्ब में ड्राइवर लगाता है वो है। और हम इसमें एक ब्लू कलर की एक LED जो डायरेक्ट 220 से ऑन होगी। और दोस्तों इसी के साथ इसमें हम ये दो जाली का यूज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैप्पी होने वाली है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को इसके जो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम दो वायरों को कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे फेविक्विक की मदद से। एंड दोस्तों उसके ऊपर हम जो हमारे जो जाली है जिसमें छोटे छोटे बारीक होल हैं, तो उस जाली को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस है उसे करने के बाद दोस्तों अब इसके फ्रंट पर जो ये वाली जाली है उसे हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके बीच में हम ब्लू कलर की LED को लगाएंगे। फिर दोस्तों हम इस सर्किट को जो हमने आपको कैपेसिटर दिखाया था उसके वायर और जो सर्किट है उसके जो प्लस माइनस के जो आउटपुट की वायर हैं उनके साथ हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाले जो कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक लीड को लगाएंगे जिससे इसमें हम मेन पावर सप्लाई को दे सकें। तो यहाँ पर हमने इस लीड को कुछ इस तरीके से लगा लिया है। तो इसके भी कनेक्शन दोस्तों हम कर लेते हैं। तो इस सर्किट के दोनों वायरों को हम इस मेन लीड से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ जो हमने ब्लू कलर की जो LED लगाई थी तो इसके भी वायर हम उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो LED है वो डायरेक्ट 220 से ऑन होगी। तो इसीलिए हमें इसमें कोई सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने दोस्तों इसके अंदर लगा दिया है। और अब इसके बाद इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे जिससे ये वायर हैं वो मजबूत हो जाएं। तो मजबूत करने के बाद दोस्तों अब इनमें हम टेप लगा देंगे जिससे ये आपस में एक दूसरे को शॉर्ट ना करें। तो इनके ऊपर हमने टैप को लगा दिया है दोस्तों। तो टैप लगाने के बाद दोस्तों फिर इनको हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से अच्छे से इनको हम इसमें फिक्स कर देंगे। तो ये वाले जो वायर हैं वो लग चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इस कैपेसिटर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जो ये वाले जो आउटपुट के वायर थे, तो हमें एक वायर को जो ऊपर वाली जो हमने जाली लगाई थी जिसमें जो खांचे हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उनमें हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने का इस पर हम सोल्डरिंग कर देंगे जिससे जो वायर है वो मजबूत हो जाए और जो वायर है वो निकले ना। तो एक वायर है वो हमारी जो पतली वाली जाली थी, तो हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको भी हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे जिससे ये वायर है वो मजबूत हो जाए। तो ये कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर के पार्ट्स को फेविक्विक की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो फाइनली दोस्तों जो हमारे मॉस्किटो किलर डिवाइस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जैसे इसको 220 AC से कनेक्ट किया तो इसमें ब्लू कलर की जो LED है वो ग्लो हो चुकी है। और अब दोस्तों इसको हम एक पेचकस की मदद से आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से स्पार्किंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। तो इसको हम एक बार देख सकते हैं नज़दीक से, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसमें से शॉर्ट मार रहा है। तो इसको हम कमरे में ले जाके आपको ट्राई करते हैं। तो हमने इसको कमरे में आ चुके हैं, तो हम स्विच को करते हैं ऑन। और जैसे ही दोस्तों हमने स्विच को किया ऑन, तो आप देख सकते हैं तो हमारी जो मशीन है वो एकदम चालू हो चुकी है और देखने में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो अब इसको हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं हमने इसको पेचकस को या फिर कोई वायर के टुकड़े को, हम इन दोनों जालियों को शॉर्ट करेंगे तो इसमें से करंट है वो एकदम डिस्चार्ज होगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से जो करंट है वो बाईपास हो रहा है। तो
तो जैसे ही मच्छर हमारी इस जाली से उस जाली से कनेक्ट होगा तो वो मच्छर आसानी से वहीं पर जल जाएगा। तो वीडियो आई होप दोस्तों अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।